सब ये सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। सिर्फ उसका नाम पता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। किसने दिलाया शहनाज को गुस्सा, क्या जस्सी का खुला राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। किसी का भाई किसी की जान सलमान खान की आजकल मोस्ट अवेटेड फिल्म बनी हुई है। इस फिल्म में इस बार साउथ के एक्ट्रेस भी नजर आने वाले हैं बॉलीवुड स्टार्स के साथ साथ। अब इस फिल्म में सलमान खान की लव इंटरेस्ट होने वाली हैं साउथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े और उन्हीं के साथ साथ साउथ के एक्टर्स वेंकटेश यानी कि दगुबती वेंकटेश और जगपति बाबू भी अपना जादू दिखाने वाले हैं। साथ ही इस फिल्म में हमें सिद्धार्थ निगम, शहनाज गिल, जस्सी गिल, मालविका शर्मा, पलक तिवारी ये सब नजर आने वाले हैं। अब आप सब जानते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि किसी का भाई किसी की जान की कहानी साउथ फिल्म वीरम से उठाई जा रही है, लेकिन क्योंकि साउथ फिल्म वीरम इतनी हिट नहीं हुई थी तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आखिर सलमान खान इस फिल्म को किस तरीके से पेश करने वाले हैं और क्या हो सकती है इसकी स्टोरी। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो आपको इस फिल्म में देखने को मिल सकती है। तो जानते हैं कि आखिर वो स्टोरी है क्या। तो फिल्म में ये देखने को मिल सकता है कि सलमान खान यानी कि वीर अपने सारे भाइयों के प्रति अपने जीवन को डेडिकेट करके रखते हैं और उनसे एक साल छोटा होता है विक्रम जिसका रोल निभा रहे हैं वेंकटेश, वेंकटेश से छोटा होता है विराज जिसका रोल निभा रहे हैं जस्सी गिल, उनसे छोटा होता है विराज जो कि जिसका रोल निभा रहे हैं राघव जुयाल और सबसे छोटा वंश यानी कि इसका रोल निभाएंगे सिद्धार्थ निगम। इन पाँचों भाइयों में बड़ा ही प्यार है और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि वीर ने शादी करना तो दूर किसी लड़की को अपने जीवन में लाने से भी मना कर दिया है और ये सब वो अपने भाइयों के लिए ही कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करने पर उनके भाइयों के बीच में दरार आ जाएगी अगर कोई लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी, और ऐसा देखकर उनके सारे भाइयों ने जोश जोश में भी हामी भर दी है कि वो भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन सलमान को ये पता नहीं है कि उन सभी ने पीठ पीछे हाथ क्रॉस कर रखा है और इस क्रॉस का नतीजा अभी एक रेस्टोरेंट में बैठा है। जी हाँ, अब दिखाया जाएगा कि कैसे शहनाज गिल यानी कि नाज गुस्से में भड़की हुई एक कॉफी शॉप में बैठी हैं और उनके सामने बैठे हैं जस्सी गिल यानी कि विराज। अब शहनाज अपने गुस्से को दबाने के लिए कोल्ड कॉफ़ी के सिप्स ले रही होती हैं, लेकिन शहनाज का गुस्सा बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही भयानक है और इस बात से विराज वाकिफ नहीं है। शहनाज उससे पूछती है कि तू तो क्या बताया तुमने अपना ब्रेकअप करने का रीज़न। तब वो अपने गॉगल्स को उतार कर टेबल पर रखते हैं और बोलते हैं कि मैं एक महीने से ज़्यादा किसी को डेट नहीं करता और इसीलिए अब मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर शहनाज चौंक जाती हैं और अपने गुस्से को शांत करते हुए कॉफी के सिप्स ले रही होती हैं। उसके बाद वो उनसे पूछती है कि इसका क्या रीज़न है। तब विराज कुछ बताते नहीं हैं। तब उनका गुस्सा भड़क जाता है और शहनाज गुस्से में विराज के ऊपर कोल्ड कॉफ़ी उढ़ेल देती है। उसके पूरे फेस से अब कोल्ड कॉफ़ी टपक रहा है और नीचे जाकर उसकी वाइट जो उसकी फेवरेट शर्ट है उस पर भी ये टपक रहा है। वो ये देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। अब शहनाज का गुस्सा इस बात पर भड़का होता है कि उन्होंने कहा होता है एक महीने से ज़्यादा मैं किसी को डेट नहीं करता, इतनी सिंपल बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या, पेपर पे लिख के दूँ क्या फिर समझोगी। इसी बात पर उन्होंने ये काम किया होता है। उसके बाद ये देखकर विराज चौंक जाता है और उठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शहनाज उसे इशारा करती है और वहीं पर बैठने को बोलती है। फिर वो धीरे धीरे वहीं पर बैठ जाता है और अभी भी वो उनके गुस्से से वाकिफ नहीं है। तो अब शहनाज बोलती हैं कि अब मुझे रीज़न बताओ कि इसका रीज़न क्या है, जब तक तुम मुझे रीज़न नहीं बताओगे ना मैं यहाँ से हिलूँगी ना तुम्हें यहाँ से हिलने दूँगी। फिर क्योंकि अब ये मैटर ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है और यहाँ पर सीन ना बने, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, इसीलिए विराज शहनाज को रीज़न बताते हैं। उनसे कहते हैं कि दरअसल मेरे बड़े भैया ने शादी ना करने की कसम खाई है और हमने भी उनके साथ ऐसी ही कसम खाई है, इसीलिए इसी के चलते मैं किसी भी लड़की को एक महीने से ऊपर डेट नहीं करता हूँ और तुम्हें भी नहीं कर सकता, बस यही सिंपल सा रीज़न है। ये सुनकर शहनाज बहुत ही शॉक हो जाती है। दरअसल उसने आज तक किसी लड़के से इतना प्यार नहीं किया जितना उसे इस लड़के से है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लड़का उसे डम कर रहा है, इसीलिए फिर वो वहाँ से उठती है और उसे कहती है ठीक है अपने भाई के लिए इतने डेडिकेटेड हो ना तो अपने भाई को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कितना प्यार करते हो उनसे, चलो उन्हें बताते हैं। और ये कहकर वो अपना पर्स उठाकर शॉप से बाहर निकल जाती है।
अब विराज को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कह कर क्या गई। एक मिनट तक तो वो सोचता ही रहता है, उसके बाद उसे सारी बात समझ में आती है कि दरअसल शहनाज जा कहाँ रही है। और फिर वो अपने तीनों भाइयों को फ़ोन करते हैं, जिसमें से दो भाई बस पास की ही दुकान में शॉपिंग कर रहे होते हैं। वो दौड़ते हुए वहाँ पर आते हैं और उससे कहते हैं, भैया आपकी ब्रेकअप पार्टी की हमने बहुत ही शानदार अरेंजमेंट कर रखी है, तो चलिए आज तो जमकर पार्टी होगी। इस पर विराज उन्हें सारी कहानी बताता है और वो तीनों पैनिक करके वहाँ से भागते हैं और शहनाज के पीछे जाते हैं। अब शहनाज को वो एड्रेस पता है जहाँ पर जाना है, एक बार विराज ने उसे अपने घर का एड्रेस बताया था, वो वहीं पर जा रही है। जाते ही वो घर के बाहर डोल बेल बजाती है और उनके सामने आते हैं विक्रम यानी कि वेंकटेश। वो अपने घर के सामने एक खूबसूरत लड़की को खड़ा देखकर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब शहनाज अंदर जाने लगती हैं, फिर वो उसे रोकते हैं और कहते हैं, आपको किससे मिलना है, शायद आप गलत पते पर आ गई हैं। तब वो उसे कहती है कि नहीं, मुझे वीर से मिलना है। इतने में वेंकटेश कुछ कहे इससे पहले सलमान खान पीछे से आ जाते हैं और विक्रम से पूछते हैं कौन है। तब वेंकटेश शहनाज के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि वो ना दिखे, लेकिन शहनाज को किसी से डर नहीं लगता। उनके पीछे से निकल कर वीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वीर उसे देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर एक लड़की उनके घर पर कर क्या रही है। और फिर शहनाज गुस्से में अपनी सारी कहानी शुरू करती है। नाज कहती है, ओह तो आप हैं मिस्टर वीर द बड़े भैया, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शादी ना करने का फैसला लिया है तो ये आपके भाइयों की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ रखता है? जस्ट बिकॉज़ आपको कोई लड़की नहीं मिल सकती, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके भाइयों को नहीं मिल सकती। और जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टूपिड क्वेश्चन और आपकी स्टूपिड शर्त मेरा रिश्ता टूट रहा है, मेरे से आपका भाई ब्रेकअप कर रहा है। क्या आपको ये भी पता है कि इस रीज़न की वजह से आपके भाई हर लड़की को एक महीने में छोड़ देते हैं? वो चुपके चुपके डेट करते हैं और फिर एक महीने में हर लड़की को छोड़ देते हैं। ये बात सुनकर वीर चौंक जाते हैं और फिर शहनाज उससे कहती हैं, मेरा तो काम हो गया, लेकिन इससे आगे ऐसा ना हो इसलिए सच्चाई बतानी ज़रूरी थी और इसीलिए मैंने आपको आपके भाइयों के बारे में सब कुछ बता दिया, अब चलती हूँ, गुड बाय, कह के वो बाहर निकलती है। इतने में ये तीनों विराज और बाकी दो भाई वहाँ से बाहर से आ रहे होते हैं और वो उसे देखकर पूरा शॉक हो जाते हैं, वहीं पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर इसने बोल क्या दिया। और ये बात सुनकर वीर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है, काफ़ी ज़्यादा शॉक में है। अब जैसे ही ये तीनों घर के अंदर एंटर करते हैं वो विक्रम से सारी बातें बताते हैं और फिर उसी बीच वीर जाकर अपने कमरे में अकेले बैठ जाता है। अब इन तीनों को इंतज़ार है वीर के रिएक्शन का, वो डांटे, वो धमकाए, वो गुस्सा करे, वो सब इन सबको मंजूर है, लेकिन वीर की चुप्पी इनसे सही नहीं जा रही। तो आखिर क्या होगा वीर का रिएक्शन और क्या इन सभी भाइयों का रिश्ता टूट जाएगा, इसमें पड़ जाएगी दरार? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।